ये वैनिटी वैन का है, मनाजिर हैं और ये हिरा मानी है। ये इस वक्त अंदर से निकली हैं और फ़ोन पे ज़ाहिर बात कर रही हैं किसी से। एक मज़दा पर बनाई गई है वैनिटी वैन और ज़ाहिर है इसको हम बहुत कोई उस हाई लेवल की तो नहीं कहेंगे, मगर फिर भी एक ये चीज़ें अब पाकिस्तान में कॉमन हो रही हैं, अच्छी बात है। जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक अच्छा है, ये उनको सहूलत मिल जाती है इससे। इसके अंदर क्या कुछ है आप देखें, ये सोफे रखे हुए हैं यहाँ पे और ये इस तरह की, यहाँ एसी लगा हुआ है, ये लाइट्स हैं और ये मेकअप रूम है और ये एक छोटा सा वॉशरूम है और बेसन यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं वो आते हैं यहाँ कुछ लम्हात गुजारते हैं, बनाव सिंगार होता है, कुछ आराम करते हैं अगर यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, चाय पानी का सीन यहाँ चल जाता है और एसी इस वक्त चिल चल रहा है। और एक मज़दा के अंदर बनाई गई है वैनिटी वैन, कारपेट बिछाया गया है अंदर, ये टेबल है, ये कुर्सी है और ये एल शेप में सोफा रखा हुआ है। ये मेकअप के लिए ड्रेसिंग टेबल है जिसकी लाइट्स भी हमने अभी ऑन कर दी हैं। हिरा मानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो फिल्म की शूटिंग चल रही है इसका नाम भी बड़ा यूनिक सा है, साजन महल। ये नाम के पीछे कहानी क्या होगी और क्या शूट होगी? हॉरर फिल्म होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जबरदस्त। तो अभी आप करेक्टर कर रही थी, ये पाकिस्तान में हॉरर फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लोग ज़्यादातर रोमांस पे बनाते हैं, हाँ एक्शन मूवीज बनती हैं, तो हॉरर फिल्म में, और आपको क्या वाकई में पसंद है हॉरर फिल्म? नहीं, हाँ मैंने एक ड्रामा किया था, बंदिश। वो अच्छा, बचपन से हम सुनते आते हैं ना कि यार हमारी दादी ने या नानी ने या नानी की नानी ने कुछ जिन कैद किए हुए थे, सुनिए ना ऐसी बातें होती हैं ना। बस सच बताओ, नहीं, सुनी है हमने, सुनी मेरी है ना? अम्मी कुछ इस तरह की बातें बता दी थी। तो हाँ, तो सोने के वक्त ना, डराने के वक्त, सुलाने के वक्त, जिन आ जाएगा बेटा सो जाओ। तो वो जिन का कॉन्सेप्ट तो है हमारे दिमागों में, लेकिन अब वो क्या है क्या नहीं है, सबने जिन देखा हुआ है, खुद ने नहीं देखा हुआ, किसी ने देखा हुआ है और उसको वो स्टोरी पता है। लेकिन यहाँ पर लिटरली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि 80 साल से एक जगह बंद थी और उसके अंदर जो गंध थी ना वो सब असली थी। उसमें जो मच्छर थे, उसमें जो गंध थी, उसमें हम सोए हैं। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुछ नीट किया हो, अच्छा, सब रियल था और बड़ा ऑर्गेनिक शूट था ये। और इसमें हमारे, आप, मैं पाँव की तरफ प्लीज़ क्लोज करें, आपको देखें पाँव मेरा दिखाना होगा, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हीरा मानी के पाँव का हाल है ये हमने डार्क किया है और हमने जो है वो बस दिखाया है कि बड़ा बेचारों के साथ तो अच्छा नहीं आपको हुआ। वाकई में डर लगा शूटिंग के वक्त? जब जाहिर है आप बता रही हैं कि इतने साल से ये हवेली नुमा घर अच्छा, बंद मुझे था। वैसे भी थोड़ा डर लगता है और मेरी हमेशा, मैं रिवर्स साइकोलॉजी का पता होगा आपको, तो मैं जिस चीज़ से डरती हूँ ना, मैं उसी चीज़ से डराती भी हूँ कि मुझे ना लगे मैं डरा दूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी सेट पे कि हमने कहा यार थोड़ा क्रीपी सा है सीन, क्योंकि 80 साल से एक चीज़ बंद है तो यार कुछ तो होगा ही ना उसमें। कुछ नहीं भी होगा तो हमारे डर से, कहते हैं ना आप जो सोचते हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो मेरी लाइफ तो है भी एक मैनिफेस्टेशन पे मबनी, कि मैंने जो जो लाइफ में सोचा वो मेरे साथ हो गया है। मानी से शादी हो गई है, उसके बाद चलो मैं, अच्छा छोटा सा था मुजम्मिल, छोटा सा, इतना सा, मैं उसको फीडर पिलाई थी और सामने कमर्शियल चल रहा था और कोई थी उस वक्त एक्टिंग। मैंने कहा मानी मुझे भी कमर्शियल करना है, मानी ने कहा दूध पिलाओ अभी तुम, तो कमर्शियल करना है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा एक दिन होगा कि मैं कमर्शियल करूँ। मैं जब तो खैर ये जो चीज़ें मैं सोचती रहती थी वो होती रहती। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे दो वाइट कलर के लोग थे जो मुझे, मानी को और हमारी पूरी टीम को नजर आए। अब ये भी हो सकता है कि ये इस सेट ने हमें डराया हो और बाद में पता चले कि हम लोग डरे हुए हों, असल की फीलिंग आए। हाँ, नबील, इन्वॉल्व एक चीज में आप रहते हैं तो नबील फिर का तो आपको पता ही है ना, साइकोलॉजिकल। नबील तो हर चीज़ सच पे मबनी चीज़ें करा रहा होता है तो इनकी भी साजिश हो सकती है कोई। अभी एक वैनिटी वैन में हम बैठे हाँ, हैं, तो वैनिटी मैं वैन अभी में। मानी भाई से भी यही बात कर रहा था कि यार ये चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, पहले नहीं होती थी इतनी, हमने देखी हैं शूटिंग में, एक वही सेट के साथ एक रूम बना हुआ है, वहीं आर्टिस्ट बैठ जाते थे। ये भी तो होता है ये हमारे साथ। चीज़ें अब आ रही हैं, इससे कितना एक
क्या लगता है कि आने वाला मजीद जो फ्यूचर है वो असल में ये तो चले एक होता है कंफर्ट जोन के लिए, अंदर वॉशरूम नहीं है भाई तो कहीं तो करेंगे ना, तो ये इस वजह से भी इन्होंने खड़ी की, इतने सारे एक्टर्स हैं, अब जाहिर सी बात है वॉशरूम तो यूज़ करना होता है, चेंजिंग होती है, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, चेंज करने होते कपड़े उपड़े, लेकिन ये कि इससे कोई काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं, मेरी नीड नहीं है ये चीज़ें, मेरी नीड एक अच्छा डायरेक्टर होता है, एक अच्छा स्क्रिप्ट होता है, वैनिटी मैन हो ना हो, बटन बंद कर देना चाहिए आपको ना, अपने ये वाले बटन्स होते हैं ना, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, गंदा हो, ये सब बंद करके आपको सेट पे आना चाहिए और सिर्फ आपको काम करना चाहिए। हर वक्त तैयार होके टीवी पे आते हैं, कभी ऐसे भी आना चाहिए यार। मानी जिन्हें हम एक जमाने से देख रहे हैं माशाल्लाह, और आज भी इनका चेहरा देखकर वैसा ही लगता है। पहले इनसे पूछते हैं, हम मानूर बलोच का सुनते आ रहे हैं कि वो उन पे जवानी चल रही है। मानूर बलोच आपका किस, माशाल्लाह, आपको भी मैंने करीब से देखा है मानी भाई, आपका क्या है इसका राज? कुछ नहीं, राज है, खुश रहते हैं और अपने अपने आप में गुम रहते हैं, खत्म बात। जब आप अपने आप में वाह, गुम रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल जाएगा। लेकिन मानूर बलोच तो मुझसे भी 10 साल पहले से आ रही थी, तो अभी 10 साल मेरे और बाकी हैं, वाह लेकिन वो तो मानूर, माशाल्लाह से अभी एवर ग्रीन है और वैसी की वैसी है यार। लेकिन आप भी, खैर अभी तो आपकी उम्र कम है लेकिन फिर भी फिलहाल जो आप, होलिया मनाया हुआ है हमने, वो आप देख सकते हैं जिस तरह का होलिया अच्छा मानी बनाया भाई, क्या कहिए, इस फिल्म का क्या है, करेक्टर आपका क्या है? और यार ये हॉरर, आपकी कैरेक्टर। लफंगे फिल्म भी बहुत अच्छी गई थी मुझे, आपकी हाँ उसमें हमने देखी थी एट्रियम में, हाँ तो जो जो आपने कमाल अदाकारी की थी, थैंक इसमें यू। क्या है ऐसा? इसमें ये कोई फुल कॉमिक नहीं है, लेकिन ये बेसिकली सिचुएशनल है। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि हीरो में बहुत, क्योंकि अभी हमारा पूरा टूर था, यूएसए में थे हम लोग इंडस हॉस्पिटल के साथ, और हमारी वो फंड रेजिंग चल रही थी। उसके बाद हम अपने अपने कामों में बिज़ी थे कि एक कॉल आई सी प्राइम की तरफ से, एक शॉर्ट फिल्म की कहानी मज़े की लगी, और हमें जो अट्रैक्शन थी वो ये थी कि नबील कुरैशी, जो हमारा दोस्त है, भाई है बड़ा पुराना, वो डायरेक्ट कर रहा था, और नबील ने भी सोचा हुआ था कि मानी हीरा को लेंगे और मानी हीरा साथ काम करेंगे। तो बहुत अरसे बाद, क्योंकि हमारी दोस्ती तो है, हमने कभी काम एक साथ नहीं किया था, तो अट्रैक्शन मेन ये थी करने की। और बहुत मज़े की शूट हो रही है, बहुत डिफरेंट हो रही है, 80-90 साल पुराना ये घर है, शायद ज़्यादा ही 100 साल पुराना ही होगा, और इसमें शूट हो रही है ओरिजिनल मट्टी और ओरिजिनल सब चीज़ें, मतलब उसके बाद जो बीमारी होगी वो बाद में होगी बेसिकली, जो भी वाह, होगा। उनको एक, रिलैक्स होता है बंदा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आप आके, क्योंकि आप इतनी हेक्टिक मट्टी धूल में से और गंदगी से होके आ रहे हो, तो वैनिटी वैन बहुत ज़रूरी होती है। हेरा हो, मैं हूँ, या बाकी सारे आर्टिस्ट हों, वो भी अवेल करते हैं इसको। और ये अच्छा है, क्या नाम है, इसमें ये एक थोड़ी, क्या नाम है, आप थोड़ा देर आके सुकून कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ क्या नाम है, म्यूज़िक सुन लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, क्योंकि फिर तो हमारी गोरिल्ला शूट चल रही है, बाहर निकलेंगे वही मट्टी, वही धूल, वही भाग दौड़, तो ये अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे एसी शीसी लगा हुआ है अंदर, यहाँ पे हमारा खाना वाना पानी शानी पड़ा होता, तो तो हम पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये शुरू में ये थी। चीज़ें नहीं थी, अब जाहिर सी बात है अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं, और अब ये चीज़ें हर कोई अवेल करता है, जाहिर सी बात है ऐसी अच्छा मानी भाई, है। कराची पे थोड़ी बात कर लेते हैं, कराची के हालात, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग चोर कह रहे हैं कि यार, कोई आर्टिस्ट कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि यार कराची से अब कहीं मूव हो जाना चाहिए, या हालात, आप भी बाय बर्थ कराची के हैं, तो हाँ कैसा आप कराची को देखते हैं इन हालात में? सारी चीज़ों का मुवाजना करें, सियासी या स्ट्रीट क्राइम को देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, कैसा आपको इस कराची को देख के अफसोस होता है, या आप कब समझते हैं कि हम लोग आगे नहीं आ रहे तभी ये सब कुछ हो रहा है? हमारा दिल जो था अपने शहर के लिए धड़कता है, हमें मज़ा आता है अपने गली मोहल्लों में अपने पान वालों के साथ, दुकान वालों के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। लेकिन जो भी है हमारा एक, हमें मज़ा आता है, ये लाइट जाती है फिर आती है, फिर जनरेटर ऑन होता है बंद होता है, फिर वो अब तो क्या नाम है, वो सोलर पैनल लग गए, तो ये इस वाह, सिस्टम में कि बाहर निकल गए, पता लगा अच्छा वो लूटने के लिए आया था, अभी जब मैं गया होता तो मेरे भाई से छीनने के लिए आए थे, उसने रिवर्स की गाड़ी, इसमें फायर कर दिया, ये सब हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया है, लगता है कि हम इसके अम्यून हो गए इन चीज़ों के, तो अफसोस तो होता है। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन कराची के जो हाल, वैसे स्ट्रक्चर वाइज हालात हैं वो इंतहाई वर्स्ट हैं, इंतहाई गंदे हैं, और ये डिज़र्व नहीं करता है शहर। शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता हो, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हो, पूरा शहर, पूरा मुल्क ही इस शहर से चल रहा हो, और इस शहर में हज़ारों की तादाद से लोग रोज़ाना, तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से आ रहे हो, उस शहर का ये हाल नहीं होना चाहिए। गंदा गंदा मतलब निगलेक्टेड शहर कह सकते हैं आप। एक आध दफ़ा ऐसा हुआ था पिछले 2-1 साल पहले कि हमें लगा कि यार लाहौर ज़्यादा बेहतर शहर है, लाहौर में रहने की जो तरीका है वो भी सस्ता भी है, और आपको लाइफस्टाइल भी बड़ी लेविश है, हर चीज़ है,
तो हमें लगा कि ना कि ये होना चाहिए कि हम लाहौर शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिर ये है कि कराची से हम जा नहीं सकते, वो हमारा दिल की धड़कन, अभी तो कह रहे हैं हमारा हर सब कुछ ओढ़ना बिछोड़ना कराची है, वाह वाह हमारे बच्चे भी यहाँ से हैं, हमारे खानदान भी यहाँ के हैं, तो अब हम हमारे लिए मुश्किल है शिफ्ट क्या करना, बात है, क्या बात नामुमकिन है। है।